सब्सक्राइब करें टेक्नो ब्लॉगर एंड हिट नोटिफिकेशन बटन टू स्टे अपडेटेड। सो हे गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल, दिस इज ऋषभ जसवाल एंड यू वाचिंग टेक्नो ब्लॉगर। तो आज की वीडियो में बात करने वाले हैं इसी सैमसंग का टैब ए 10.1 के बारे में, जहां पे हम इसे अनबॉक्स करेंगे, तब क्या कुछ स्पेसिफिकेशन लेके आता है और कंप्लीटली सैमसंग की तरफ से क्या पैकेज लेके आता है, सब हम आज के इस वीडियो में जानने वाले हैं। तो बिना कोई टाइम वेस्ट किए सो लेट्स बिगिन। तो दोस्तों, ये रहा हमारे पास सैमसंग गैलेक्सी का टैब ए का बॉक्स, जहाँ पे उसका फर्स्ट लुक देख सकते हो। उसके साथ यहाँ पे ऊपर सैमसंग का मेंशन है, नीचे टैब ए का भी आपको फर्स्ट मेंशन देखने को मिल जा रहा है। उसके साथ एकदम साइड एकदम क्लीन है, एक्सेप्ट इसका लेफ्ट साइड में भी आपको अगेन सैमसंग गैलेक्सी टैब ए का मेंशन देखने को मिल जा रहा है। बॉक्स के पीछे के बारे में अगर हम बात करें तो आप देख सकते हैं हमारे LTE और 32GB वाला वेरिएंट है, जहाँ पे इसका ऑक्टा कोर प्रोसेसर का मेंशन है, इसका 6150mAh बैटरी, इसका कैमरा, इसका डॉल्बी ऑडियो का मेंशन देखने को मिल जा रहा है। इसका डिस्प्ले के बारे में जहाँ पे अगर बॉक्स की प्राइसिंग की बात करें तो आप 21,500 पीछे बॉक्स में देख सकते हो, बट एक्चुअल प्राइसिंग हम आगे चल के बात करेंगे। जहाँ पे अगर हम इसे अनबॉक्स करते हैं तो ये रहा हमारा सामने टैब रखा हुआ है, इसी कपड़े में लिपटे हुए, इसी पैकेटिंग में लिपटे हुए, जहाँ पे आपको सैमसंग का मेंशन देखने को मिल जा रहा है, जो काफ़ी अच्छा हाथ में फील दे रहा है। इससे भी हम साइड में रख देते हैं। और ये हमारा रहा सैमसंग का एक और सेक्शन, जहाँ पे आपको पीछे सिम ट्रे इजेक्टर टूल देखने को मिल जा रहा है। उसके साथ साथ इसके अंदर आपको देखने को मिल जाएगा यही आपका क्विक स्टार्ट गाइड, आपका वारंटी, जिसे अभी हम साइड में रख देते हैं। जहाँ पे उसके साथ आपको इस बॉक्स में मिल जाएगा इसी का चार्जर, जिसके थ्रू आप इसे चार्ज कर सकते हो, जो एक नॉर्मल चार्जर है, कोई फास्ट चार्जर नहीं है। उसके साथ आपको इस बॉक्स में मिल जाता है इसी का केबल, जिसके थ्रू आप इसे चार्ज कर सकते हो, जो एक USB A to USB Type-C का केबल है। उसके साथ और बॉक्स में आपको कुछ देखने को नहीं मिल रहा है, जिसके कारण हम बॉक्स को साइड में कर देते हैं। जहाँ पे अब हम आ जाते हैं हमारे मेन टैब पे, जो हाथ में काफ़ी कमाल का फील दे रहा है, जहाँ पे हम इसके प्रोटेक्शन को रिमूव करते हैं। जहाँ पे ये रहा हमारा टैब इसी ब्लैक मेटालिक बॉडी में, जहाँ पे काफ़ी कमाल लग रहा है फर्स्ट लुक में। उसका डिस्प्ले भी आप देख ही सकते हैं, 10.1 इंच का है। जहाँ पे पीछे आपको सैमसंग का मेंशन देखने को मिल रहा है और सी में लगा है 6150mAh की एक बड़ी बैटरी। जहाँ पे अगर हम इसी की राइट साइड की बात करें तो आपको पावर लॉक अनलॉक बटन देखने को मिल जाएगा, वॉल्यूम बटन देखने को मिल जा रहा है और एक सिम ट्रे देखने को मिल जा रहा है, जिसके थ्रू आप इसे 512GB तक एक्सपैंड कर सकते हो मेमोरी कार्ड के थ्रू, और एक 4G SIM भी लगा सकते हो। उसके साथ हम इसे पावर बूट कर लेते हैं, जहाँ पे आप देख सकते हैं यहाँ पे लिखा गया सैमसंग गैलेक्सी टैब ए सिक्योर्ड बाय नॉक्स, और नीचे आपको पावर्ड बाय एंड्रॉयड का मेंशन भी देखने को मिल जा रहा है। जहाँ पे इसी के पीछे में आपको 8 MP का रियर कैमरा भी देखने को मिल जाएगा। और आगे में आप देख सकते हैं हमारा स्क्रीन लाइट अप हो चुका है, जहाँ पे आपको 10.1 इंच का एक फुल HD+ नॉर्मल LCD डिस्प्ले देखने को मिलने वाला है, जहाँ पे बेजल्स काफ़ी कम है। और आपको यहाँ ऊपर में एक 5 MP का सेल्फी कैमरा देखने को मिल जाएगा ऑनलाइन क्लासेस और ऑनलाइन मीटिंग अटेंड करने के लिए। और इसी के अगर हम ऊपर साइड के बारे में बात करें तो आपको 3.5mm जैक देखने को मिल जाएगा और सेकेंडरी माइक्रोफोन भी देखने को मिल जाएगा। और अगर हम नीचे के बारे में बात करें तो आपको स्पीकर और माइक्रोफोन का ग्रिल देखने को मिल जाएगा, और बीच में आपको USB Type-C पोर्ट देखने को मिल जाएगा। और आपको इसी का लेफ्ट साइड एकदम क्लीन देखने को मिल जाएगा। जहाँ पे इसका 10.1 इंच का डिस्प्ले आप देख सकते हैं काफ़ी ज़्यादा क्रिस्प है और काफ़ी कमाल का आपको डिस्प्ले यहाँ देखने को मिल जा रहा है। जहाँ पे अगर मैं एकदम लो ब्राइटनेस भी कर दूँ तो भी आपको क्रिस्प और ब्राइट डिस्प्ले देखने को मिल जाएगा। जहाँ पे अगर हम इसके कुछ डिटेल्स में बात करें इसी के स्पेसिफिकेशन की, तो इसमें आपको सैमसंग का ही एक्सिनॉस 7904 प्रोसेसर देखने को मिलने वाला, जो एक ऑक्टा कोर प्रोसेसर, उसके साथ इसमें 2GB 32GB वेरिएंट देखने को मिल रहा है, जिसको आप 512GB तक एक्सपैंड कर सकते हो। और ये एंड्रॉयड 10 के साथ में आता है, जहाँ पे आप इसे लैंडस्केप मोड में भी बड़े आराम से इस्तेमाल कर सकते हो और आपको काफ़ी कमाल व्यू देखने को मिल जाएगा इसी लैंडस्केप में। जहाँ पे हम इसके कैमरा वाले ऐप के बारे में भी बात कर लेते हैं, जहाँ पे आपको एकदम टिपिकल सैमसंग स्टाइलिंग देखने को मिलने वाला है, बट इसमें आपको ज़्यादा ऑप्शन देखने को नहीं मिल रहा है, आपको नॉर्मल सा ही एक फोटो मोड मिल रहा है, एक वीडियो मोड मिल रहा है और थोड़े बहुत और मोड्स देखने को मिल जा रहा है रेशियो वेशियो का। जहाँ पे अगर आप कुछ फोटो सैम्पल्स भी देख ले तो आप देख ही सकते एकदम एवरेज सही कैमरा है, जो बस आपको एक वीडियो कॉलिंग के लिए आपको काफ़ी डिसेंट सा व्यू दे देगा और काफ़ी सही क्वालिटी भी दे देगा वीडियो कॉलिंग के लिए और ऑनलाइन मीटिंग के लिए। जहाँ पे अगर हम इसमें थोड़ा बहुत गेमिंग भी करके देख सकते हैं, ऑब्वियसली आप इसमें हैवी गेमिंग नहीं कर सकते, थोड़ा बहुत अगर हम लाइट गेमिंग के बारे में बात करें तो आप काफ़ी अच्छा एक्सपीरियंस ले सकते हो इसी बड़े डिस्प्ले में 10.1 इंच का। उसके साथ में इसमें डॉल्बी ऑडियो भी है, तो आप कंटेंट कंजम्पशन भी काफ़ी अच्छा कर सकते हो इसी में।
तो ये काफ़ी अच्छा पैकेज बन जाता है सैमसंग की तरफ से इसी बड़ा डिस्प्ले में, जहाँ पे इसका प्रोसेसर भी एकदम एफिशिएंट है और आप थोड़ा बहुत गेमिंग कर ही लोगे। तो बस यही सब कुछ था इसी सैमसंग गैलेक्सी टैब A10.1 के बारे में। तो दोस्तों आपने पूरा अनबॉक्सिंग देख लिया, क्या कुछ आपको इसके साथ कंटेंट देखने को मतलब वो भी देख लिया, और क्या स्पेसिफिकेशन लेके आता आपने वो भी देख लिया, जहाँ पे ऑल ओवर ये काफ़ी सही टैबलेट है, जहाँ पे इस टाइम पे यहाँ काफ़ी सारा ऑनलाइन क्लासेस करना होता है, कई सारा अगर आपको कंटेंट कंज्यूम करना है और कई सारे ऑफिस वर्क और कई सारे काम पे हमें एक टैब का ज़रूरत पड़ जाता है, जहाँ पे इसका डिस्प्ले एकदम काफ़ी सही है, जहाँ पे आप अपना सारा काम कर सकते हो, जहाँ पे एक छोटे फ़ोन में आप ऑनलाइन क्लासेस में जितना कंज्यूम नहीं कर सकते वैसे आप इस टैबलेट में कर सकते हो। जहाँ पे अगर उसकी प्राइसिंग की बात करें कुछ 19,500 के आसपास में ये आपको अमेजोन में देखने को मिलेगा। इसी का 2GB 32 वेरियंट जहाँ पे ये वोल्टी वाला है, इसमें आप वाईफाई के साथ आप एक एक्स्ट्रा सिम भी लगा सकते हो, जहाँ पे अभी सैमसंग को ऑब्वियसली इसका बेटर आ चुका है A7, जहाँ पे इसकी प्राइसिंग भी इसके आसपास ही है, बट सिर्फ आपको उसमें एक वाईफाई सपोर्ट ही देखने को मिलता है, 4G वोल्टी देखने को नहीं मिलता, जिसके लिए आपको और ज़्यादा पैसा देना पड़ेगा। ऑल ओवर काफ़ी सही है, परफॉर्मेंस के मामले में काफ़ी सही है, जहाँ पे आपको सैमसंग का एक्सिनॉस का एक ऑक्टाकोर प्रोसेसर देखने को मिलने वाला है, जो आपको एक काफ़ी सही परफॉर्मेंस दे देगा ऑनलाइन क्लासेस के लिए, अगर आप हल्का फुल्का गेमिंग खेलना है उसके लिए भी काफ़ी ज़्यादा सफिशियंट है, और एक बड़ा स्क्रीन के साथ में आप ज़्यादा काम कर सकते हो अपने फ़ोन से कंपैरेटिव, जहाँ पे आप इसका एक अलग से जो कीबोर्ड आता है वो भी आप इसे खरीद सकते हो, जिसके थ्रू आप इसे एक लैपटॉप की तरह इस्तेमाल कर पाओगे, और परफॉर्मेंस के मामले में ऑब्वियसली काफ़ी सही है, ऐसे हीटिंग इश्यूज कुछ देखने को नहीं मिलता इसमें, और इसके साथ अगर हम इस प्राइसिंग में ऑल ओवर पैकेज देखें सैमसंग की तरफ से वो काफ़ी सही है, जहाँ पे ऑब्वियसली थोड़ा सा रैम ज़्यादा होना चाहिए, अराउंड 3GB तो एटलीस्ट होना चाहिए, जहाँ पे सैमसंग का A7 में आपको 3GB देखने को मिल जाता है, बट तो भी इतना अच्छा डिस्प्ले के साथ में, जहाँ पे ब्राइटनेस एकदम सही है, और आपने कैमरा सैम्पल्स भी देखा जहाँ पे कैमरा एकदम एवरेज है, एक्चुअली कैमरा के लिए बना हुआ नहीं है, और तो भी आपको एक एवरेज कैमरा परफॉर्मेंस दे देगा, जिसके थ्रू आप वीडियो कॉल्स हो गया, आपका ऑनलाइन मीटिंग हो गया, वो सब आप इसी टैब की मदद से बड़े आराम से कर सकते हो। तो बस यही सब था इसी सैमसंग का इसी पैकेज में, जहाँ पे अगर आप मेरे चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दो, वीडियो पसंद है वीडियो को लाइक कर दो, और कमेंट करके जरूर बताना आपके सजेशन भी, आपको कुछ भी नीचे कमेंट में ड्रॉप करना है तो आप कर सकते हो, और चैनल का नोटिफिकेशन बटन भी दबा देना, क्योंकि इस टाइप के कमाल के वीडियो आते रहते हैं। सो सी यू इन नेक्स्ट वीडियो सून।